एवरीवन, मैं हूं अवनी और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कुकिंग वीडियोस काफ़ी पसंद आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस होली के मौके पे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सी कुकिंग वीडियो लेके आऊं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे प्यासी कचौड़ियाँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इस होली के मौके पर आप इन कचौड़ियों को बना सकते हैं। और है किस तरीके से इनको बनाना है और क्या इसकी रेसिपी है। कचौड़ी को बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैदा का यूज़ किया है। इसके अंदर हम 1/4 कप ऐड कर रहे हैं सूजी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। बेकिंग सोडा हमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून, आप इसमें ऐड कर दीजिए। और साथ में हमें यहाँ पर अजवाइन ऐड करनी है, 1/3 टीस्पून आपको अजवाइन ऐड कर लीजिए इसके अंदर। और इसको मिक्स करने के बाद हमें ऐड करना है इसमें घी, तो लगभग 2 चम्मच मैंने घी इसमें ऐड किया है। और घी को ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पूरे आटे के अंदर। इसके बाद हमें गर्म पानी का यूज़ करते हुए, हल्के गुनगुना पानी आप यूज़ करना है आटे को गूंथने के लिए, ठंडा पानी यूज़ ना करें। और इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे। ध्यान रखें कि आटा बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एवरेज होना चाहिए। तो अब इसको क्या करें, आप अच्छे से गूंथ करके और थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रखें गीला कपड़ा इस पर ज़रूर ढक दें ताकि ये जो आटा है वो सूखे ना। अभी हमें फिलिंग तैयार करनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़ी चम्मच यहाँ पे तेल का यूज़ किया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाली है हींग, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, और साथ में 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है। तो धनिया यहाँ पे साबुत यूज़ किया था मैंने, उसको हल्का सा क्रश कर लिया। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ ऐड कर रही हूँ, तो सौंफ भी मैंने साबुत ली थी और उसको भी मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था कूटने की मदद से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 10 से 12 मूँगफली और 10 से 12 किशमिश। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक जिसको आप कद्दूकस से कस लीजिए, और 1 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर यूज़ किया जिसको भी मैंने कस लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम इस मसाले को भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें बारीक काटना है। साथ ही मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की प्याज यूज़ करी है और ये मैंने 3 प्याज का यहाँ पर यूज़ किया है। अब इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे हमें इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। मसाले ऐड करेंगे अब 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 छोटी चम्मच आप धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए, और 1 छोटी चम्मच आपको ऐड करना है गरम मसाला। इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे बेसन ऐड करना है 1 चम्मच, और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो बेसन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच और बेसन ऐड करूँगी, और इसको भी हम फिर से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, और साथ ही हमारी जो प्याज है वो भी हल्की सी पक जाए। अब मैं यहाँ पे धनिया ऐड किया है, और अब आप यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिए। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिए, और ध्यान रखना है आपको कि हमने जब आटा लगाया था तो उसमें भी नमक हमने ऐड किया था, तो ध्यान से नमक ऐड कीजिए। और यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है बनकर तैयार हो गया है। इसको आप एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब एक कटोरी में अलग से आपको 2 से 3 चम्मच ऑयल लेना है, और इसमें 2 चम्मच आपको मैदा ऐड करनी है। इसका पेस्ट बना लेना है आपको अच्छी तरीके से। अब इसको साइड में रख दीजिए, और अब देख लेते हैं कि हमारा आटा कैसा हो गया है। लगभग आधा घंटा हो गया है इस आटे को लगाए हुए। अब हम इसको थोड़ा सा अपने हाथों से टाइट करके मसल लेंगे ताकि इसमें जितने भी क्रैक्स आए हुए हैं वो सब दूर हो जाएँ। अब इस आटे को हम अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे ताकि हम इनकी अच्छे से कचौड़ियाँ बना पाएँ। तो आप देखेंगे ये लगभग 10 भाग में आराम से बट गया है, और इनकी हमें एक बॉल तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बॉल को तैयार कर रही हूँ। और इनको तैयार करने के बाद आप एक जगह इनको रख लीजिए, और ध्यान रखें कपड़े को ढककर ही रखें ताकि जो बॉल हैं वो सूखे ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक बॉल को लेके आप इसकी एक चपाती की तरीके से इसको बेल लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चपाती जब बेल जाएगी तो आपको ये पेस्ट का यूज़ करना है जो कि हमने तैयार किया हुआ है। पूरी चपाती पे इसको अप्लाई करने के बाद इसको एक तरफ से मोड़ दीजिए, और फिर से हम ये पेस्ट अप्लाई करेंगे। फिर से हमें एक कोना इसको मोड़ देना है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में किस तरीके से ये तैयार किया है। बस आप जैसे मैंने ये बनाया है आपको इसी तरीके से बाकी जो बॉल्स हमने बनाई हैं उनको भी ऐसे ही तैयार कर लेना है।
अब नंबर आता है फिलिंग को अपने कचौड़ियों के अंदर भरने का। तो हमें क्या करना है, इसको आप हल्का सा बेल लीजिए ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हम फिलिंग को आराम से भर पाएँ। तो बस अब आपको हमारी जो तैयार फिलिंग है इसके अंदर डाल देनी है और चारों तरफ से इसको बंद कर देना है ताकि ये फिलिंग बाहर ना निकले। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको बंद करें, क्योंकि अगर ये ज़रा से भी खुली रह गई तो आपकी कचौड़ियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। तो सारी कचौड़ियाँ यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, अब इनको नंबर आते हैं तलने का। तो ध्यान रखें जो हमने ऑयल लिया है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ही धीमी आंच पे हम इसको तलेंगे ताकि अंदर तक ये कचौड़ियाँ पक जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ही धीमी आंच पे आप इन कचौड़ियों को तलना है। तो बस ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, आप इनको परोस सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इनको खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। बहुत ही कुरकुरी बनी है और अंदर तक ये पकी हैं क्योंकि हमने इनको धीमी आँच पर पकाया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, टेस्ट तभी आएगा जब आप इनको धीमी आँच पर पकाएंगे। तो ये थी हमारी वो प्याज की कचौड़ियाँ जिनको आप बना सकते हैं इस होली के मौके पे। पिछली बार मैंने दोस्तों जलेबियों की रेसिपी बताई थी होली पर, तो आप उसका वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। आप मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे चैनल पे बाकी कुकिंग वीडियोज भी हैं, उनका लिंक आपको यहाँ पर, एक प्ले लिस्ट है आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो भी मन करे आप इस होली के मौके पर उनको बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली।